मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। बच्चे, सबसे पहले जो आज मैं ये कुछ चीज़ें करवा रही हूँ, ये उसमें कुछ फार्मूले हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपके याद रखने वाली हैं। इससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजीली हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इससे पिछले वीडियो में बता दिया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। फिर से एक बार मैं उनकी डेफिनेशन लिख रही हूँ ताकि मैं अगली जो अपनी एक्सरसाइज है वो ईजिली कर सकूँ। ये चीज़ें आप याद रखोगे तो ईजिली अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकोगे। सबसे पहले आगे मैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर आर, आर मतलब कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे मैंने बताया था कि पी और क्यू, जैसे मैं ये इसकी एग्जांपल ले लूँ तो 1/2 क्या है, मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 2 को भी ले लूँ तो इसके बाय में नीचे 1 लगा सकती हूँ। यहाँ ये भी देखो, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, यहाँ 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने बोला था ना q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ q की वैल्यू 2 है और यहाँ q की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों 0 के इक्वल नहीं, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर, ए नंबर s, s मैंने मतलब उसका कोई भी नाम रख लिया, विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी तरह से मैंने इरेशनल नंबर एक चीज़ आपको और समझाई थी कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने टर्मिनेटिंग पिछली वीडियो में मैंने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर सारे बताए हुए हैं। इसलिए तभी हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो भी हम चीज़ें करवाते हैं उसको स्टार्टिंग से किया करो और हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अपने पास नोट करके रखो। ये भी बच्चे जो मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ कि आपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करके रखनी है। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। जैसे अंडर रूट 2, एक चीज़ मैंने और बोली थी कि अंडर रूट के साइन के अंदर जो भी नंबर होता है, अगर वो नंबर प्राइम है, प्राइम मतलब जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। 4 ले लूँ तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है, इसका स्केयर रूट 2 निकलता है, पर 2 का स्केयर रूट नहीं निकलता। इसके ऐसे जो नंबर होते हैं कि स्केयर रूट के अंदर आपके पास अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। और जैसे मैंने इसकी एग्जांपल ली है अंडर 2, अंडर रूट 5, 0.01001, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी हुई है आपको कि ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका जो होता है रिमाइंडर जो है जो जीरो आ जाता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आता, पर उसका जो क्वेश्चंट है उसके कुछ डिजिट जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऊपर हम बार का साइन डाल देते हैं। और कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने के बाद ना तो नंबर रिपीट होते हैं और ना ही सम हमारा खत्म होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि उनको जो सॉल्व करना है, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 में ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी, इसलिए ये प्रॉपर्टीज पहले लिखवा रही हूँ। द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कि ये जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आगे जाके मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूँगी वो आपको समझाऊंगी और उससे आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कि जैसे मैंने 2 एक नंबर ले लिया कि रैशनल, उसके साथ मैं प्लस कर रही हूँ अंडर रूट 3 को, क्योंकि अंडर रूट 3 रूट के अंदर 3 नंबर जो है प्राइम, अगर एक रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करें तो इसका आंसर क्या होता है, ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। सेम इसी तरह अगर ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट वाला नंबर पहले आ गया माइनस, ऐसे ये भी क्या आ गया मेरे पास, इरेशनल नंबर। और अब इनका प्रोडक्ट कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, एक इरेशनल नंबर, और अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो भी क्या मेरा आंसर आता है, इरेशनल। ये मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, सम भी और इनका डिफरेंस भी क्या होता है,
इरेशनल नंबर, यहाँ लिख लिया इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया, ये डिवीजन कर ली, वो भी क्या होती है इरेशनल नंबर। अब इसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 2 प्लस अंडर रूट 3, आगे मैं कर दूँ इसको फिर से 2 माइनस अंडर रूट 3, ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ये भी। अब मैं इनका प्रोडक्ट सॉरी ऐड कर रही हूँ, तो इनके एडिशन के बाद ये नंबर कट गए, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4, जो कि क्या है एक रैशनल नंबर। मतलब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, इफ़ वी ऐड, चाहे वो हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किनको, दो इरेशनल नंबर्स को, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब यहाँ मेरा रैशनल आ, जैसे यहाँ मैं फिर से एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये दोनों इरेशनल नंबर है जिनको मैं क्या कर रही हूँ, ऐड ही कर रही हूँ। पर इसका आंसर मैंने बोला कि रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस इस अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को प्लस करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। अब ये क्या और आ रहा है मेरे पास इरेशनल, और ये क्या है मेरे पास रैशनल। जो चीज़ मैंने बताई है कि इनका प्रोडक्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो इरेशनल नंबर की रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल। अब इसके बाद कुछ मैं आपको फार्मूले नोट करवाती हूँ बच्चे, ये इसी की आगे कुछ आइडेंटिटीज है जो कि जिसको हम फार्मूले भी बोलते हैं, ये भी आगे एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। ये मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए हैं कि जैसे अंडरवुड ए इंटू बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बी, तो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के ऊपर हम अलग अलग रूट का साइन करके इनको अलग कर सकते हैं। सेम ऐसे डिवीजन ऑफ ए बी रूट के अंदर है, तो वो किसके इक्वल होता है, रूट ए बाय रूट बी। और सेम ऐसे ही अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड बी इंटू अंडरवुड ए माइनस अंडरवुड बी, ये अपने आपको याद होगा, आपने फार्मूला किया है ए प्लस बी, और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। पर इसमें ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ आपके पास ए की जगह अंडर रूट ए आ रहा है और बी की जगह रूट बी आ रहा है, और सेम ऐसे ही रूट ए माइनस रूट बी ये इक्वल होगा रूट ए के स्क्वायर के इक्वल माइनस रूट बी के स्क्वायर के इक्वल, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो बचा क्या आपके पास सिंपल ए माइनस बी। ये ऐसे इनमें अगर रूट में आ, क्योंकि हम रैशनल और इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ इरेशनल नंबर दिए हुए हैं उनकी आइडेंटिटीज में ये ए माइनस बी के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही अगर ए के ऊपर रूट नहीं है, बी के ऊपर है, तो इन दोनों में ऑपोजिट साइन है, तो किसके इक्वल होता है, ए का तो स्क्वायर हो जाएगा जिसके ऊपर रूट नहीं है, तो बी अकेला, और ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ ए स्क्वायर लिखते हो, ए स्क्वायर के जब आप रूट ए का स्क्वायर करोगे तो फिर से वो कट जाएगा, सिंपल अकेला ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये कुछ आइडेंटिटीज है। आगे एक आपको सम आएगा रैशनलाइज करना, ये आप पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पहले आपने ये वाला नहीं किया हुआ, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि किसी भी स्टेटमेंट में ऐसे सम आएंगे, अभी मैं कुछ उसकी एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगी कि डिनोमिनेटर को जब हमें रैशनलाइज करने के लिए बोला गया हो तो कैसे करते हैं, कि नीचे किसी ना किसी नंबर के ऊपर या दोनों के ऊपर होता है या एक के ऊपर होता है, अगर किसी एक नंबर के ऊपर रूट का साइन हो तो उसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। ये चीज़ें हमें अभी सीखने वाली है, क्योंकि ये 10th में भी जाके हमारे 2 चैप्टर्स में बहुत काम आती हैं। तो हम इसको कैसे इसको रैशनलाइज करते हैं, वी मल्टीप्लाई दिस बाय, किससे करते हैं, सेम नंबर जो नीचे डिनोमिनेटर का होता है वही नंबर्स लेते हैं, सेम अगर दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर रूट लेके वही नंबर लेंगे। यहाँ हम साइन चेक करते हैं कि कौन सा, अगर प्लस का साइन है तो हम ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ मेरे पास माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ ऑपोजिट साइन इसका कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। ये भी आपने अपनी पेयर कॉपीज पे नोट कर रहे हैं। अब इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.5 आएंगी वो इन फार्मूलों के बेसिस पर ही हैं, इसीलिए पहले मैंने ये फार्मूले नोट करवाए हैं। अब मैं कुछ उसकी एग्जांपल्स लूंगी और उसके बाद आपको होमवर्क भी इसके साथ का ही आपको होमवर्क मिल जाएगा। जैसे बच्चे आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है उसमें कुछ सम ऐसे पूछा जाएगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, इनमें मैंने बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैंने उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आपकी एक्सरसाइज के जो सम है वो आपको होमवर्क के लिए देंगे। अब जैसे उन्होंने पूछा है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, अब इनको देख के ही आपने बताना है कि ये रैशनल और इरेशनल कौन सा है नंबर ये।
अब यहाँ मैं सीधा क्या लिख दूंगी, ये इरेशनल है। क्यों? अभी मैंने जो आपको थिंग्स टू बी रिमेम्बर में करवाया था या उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लिखवाई थी उसमें देखो, मैंने उसमें बोला था कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल। यहाँ आप वही लाइन लिखोगे जो मैंने वहाँ आपको लिखवाई है, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक में मैं लिख देती हूँ, बाकी में आपने खुद ब खुद लाइन्स लिखनी हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दी है। सम ऑफ अरेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आपने इनके आंसर्स ऐसे लिखने हैं। ये चीज़ें मैंने ऊपर बता दी, आपने उसी को देख के कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी क्या होगा, इरेशनल। आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब कुछ सम ऐसे के भी होते हैं। अब यहाँ देखो, जिसमें दो नंबर्स हैं, पहले आपने उनको जब सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये यहाँ क्या आ गया मेरे पास, ऐसी आ जाएगी स्टेटमेंट, प्लस का रूट टू है माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इनको सॉल्व करने के बाद आपने देखना आपके पास बचता क्या है। अब ये थ्री बचा, अब ये क्या है, ये रैशनल है। अब नेक्स्ट ऐसे सम्स को सॉल्व कर देना है। अगर मैं इस सम में देखूँ तो रूट थ्री और रूट थ्री ऊपर नीचे ये कट रहे हैं, तो क्या आ गया आपके पास, 6/5, जो क्या है, एक रैशनल नंबर। और ये भी क्या था, एक रैशनल नंबर। आपने क्लासिफाई करना था, ये सम हमने ऐसे करना है। अब और कैसे सम पूछे जा सकते हैं आपसे, अब सम नंबर सेकंड में ऐसे कुछ सम पूछा जाएगा, जैसे क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऐसे कुछ सम देंगे, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई में कौन से आपके लग रहे हैं, जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटीज नोट करवाई हैं वो वाली यहाँ हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ आपने चेक कर लेना, उसमें मैंने ए बी लिखवाया था, ये दोनों नंबर इस ब्रैकेट की अगर दोनों नंबर से मैच करते हैं तो इनको हम ए मानते हैं और इनको हम बी मानते हैं। अगर अलग लोग हो तो ये हमने 8th क्लास में करा हुआ है। कैसे फार्मूला, पहले फर्स्ट नंबर के साथ हम इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं 2+√5, और फिर क्या करेंगे हम, दूसरा नंबर √7 के साथ फिर से वो ब्रैकेट 2+√5 को। अब इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 को 2 के साथ करेंगे 10, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5√5। जब एक रूट वाला नंबर और एक बिना रूट के नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है तो जो यहाँ 7 ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या करते हैं, ये नंबर ऐसे ही आ जाता है और दूसरा नंबर इसके साथ ऐसे लग जाता है, ये रूट के बिना वाला नंबर जो बाहर और दूसरा साथ में ऐसे ही आ जाता है। अब 5√5 को कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 5√5 प्लस अगले में 2√7। और जब मैंने पहले भी करा था, ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं और दोनों के ऊपर रूट का साइन है, तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट के अंदर ए बी इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ जैसे √7 और √5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, √35। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, √35। अब इनको मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर रूट के अंदर के नंबर सेम हो तो ये ऐड होते हैं। इसका आंसर आपके पास ऐसे ही, आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। और जैसे अगला सम आ गया, यहाँ मेरा फार्मूला लग रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ फिर ये फार्मूला लगाएं, यहाँ मैंने अभी ये वाला आपको एक आइडेंटिटी नोट करवाई है, तो किसके इक्वल था ये, ए प्लस 2√AB प्लस बी। इस सम को मैं ऐसे ही लिख लूंगी। अब मेरे पास ये देखो, जहाँ मैंने ए लिखा हुआ है वहाँ मेरे पास ऊपर स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, 3, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, अकेला 3, 2 और ए और बी, ए की वैल्यू क्या है 3 और 7, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे यहाँ 21, और बी की जगह क्या आ जाएगा 7। अब जैसे 3 और 7 दो नंबर आ गए तो इनको हमने ऐड करना है, 3 और 7 कितना आ गया मेरे पास, 10 प्लस 2√21, ये इसका आंसर। जब सिंप्लीफाई वाला सम आएगा तो आपने यहाँ देखना है कि कौन सी कहाँ आइडेंटिटी लगनी है। अब सम नंबर जो 3 है वो कैसा होगा आपके पास, अब वो वाला सम करेंगे। अब बच्चे देखो, जैसे थर्ड सम में क्या बोलेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ,
ये भी मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो तो मैंने पीछे अभी जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें नोट करवाया था। जैसे फर्स्ट देखो मेरे पास ये समय 1/2 रूट टू को हमें रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को करना होता है, और आगे जाके ये 10th क्लासेस में आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जहाँ भी रूट का साइन हो हम वहाँ क्या करते हैं, आंसर में अगर आ भी रहा हो तो हम उसको ख़त्म करते हैं, मतलब ऊपर चाहे आ जाए नीचे नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना यहाँ सीख रहे हैं, जो कि 10th क्लासेस में आगे जाके काम आएगा। अब देखो अगर तो ऐसे एक अकेला ही आपके पास कोई नंबर है, ऐसे जैसे ये देखो यहाँ प्लस और माइनस में दो नंबर दिए हुए, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, अगर ऐसे दिया हो तो अलग मेथड होता है, अगर ऐसे हो तो अलग। इसमें आपने देखना है कि जिस नंबर के ऊपर रूट का साइन है उसी नंबर को लेके आपने ऊपर और नीचे रूट का साइन के साथ में लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर सिर्फ एक बार नहीं लिखना, मल्टीप्लाई का साइन डालना है सेम नंबर ऊपर और नीचे, फिर ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही आता है। अब जहाँ जैसे यहाँ मेरे पास रूट टू को रूट टू के साथ करना है, तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है, या जैसे आपने यहाँ करा था a इंटू ए, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू टू रूट 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 2, पर मेरे ख्याल से ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है कि ईजिली हो जाता है। अब नीचे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट टू, जो कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया रूट टू बाय 2। ये आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब मैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट को जब मैंने सॉल्व करना है तो जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है 1/2 + √3, तो जब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने यही नंबर लेना है 2 माइनस का साइन, मैंने बोला था ओपोजिट साइन, अगर यहाँ माइनस का हो तो इन दोनों के बीच में यही दो नंबर्स लेते हैं, ऐसे के ऐसे ही लेते हैं जिस फॉर्म में ये हो, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, और ऊपर नीचे फिर से आपने वही नंबर लिखने होते हैं, और 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 - √3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। नीचे देखो आपकी ये आइडेंटिटी बन रही है a - √b और a + √b, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, a² - b के, मतलब ये नहीं है कि आपके पास माइनस का साइन पहले आ गया या प्लस का साइन बाद में है, दोनों साइन होने चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स में साइन ओपोजिट हो, तो जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है वो नंबर अकेला आ जाएगा, जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है उस नंबर का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस का साइन। तो अब यहाँ आपके पास देखो ए की जगह आपके पास क्या है 2, और बी की जगह पे क्या है आपके पास 3, तो इसका मतलब a² यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है आपके पास 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 - 3, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 2 - √3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, अगर नीचे 1 आ रहा हो तो हम उसको नहीं लिखते, 1 को छोड़ देते हैं, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। अब आपका होमवर्क बच्चे, ये आज का आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 है ये, इसके मैंने 3 सम आपको सॉल्व करने के लिए दिए। फर्स्ट समय क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर, इसका मैंने आंसर नहीं दिया, ऐसे सब मैंने आपको सॉल्व करके बताए भी हैं, और आंसर जो मैंने थिंग्स टू बी रिमेंबर में बताया था वहीं से इसकी लाइंस लिखनी है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई वाले भी सम बचे, यहाँ आइडेंटिटीज जो मैंने नोट करवाई हैं वो लिखनी है, साथ में मैंने इनके आंसर दिए हैं, और नीचे जो थर्ड सम है इसका रैशनलाइज करना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, ये उसके आंसर है। ये सारे सम्स आपने अपनी होमवर्क कॉपी पे सॉल्व करके अपनी होमवर्क कॉपीज कंप्लीट करनी है।